कृष्णा जो है बहुत ओपी खेलता है, बहुत अच्छे हेडशॉट लगाता है। सो गाइस यार वीडियो बहुत ओपी होने वाली है, तो यार वीडियो को एंड तक जरूर देखना। अगर आपको वीडियो पसंद आएगी तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। तो चलो यार मेरा टाइम वेस्ट करते हैं, इस वीडियो को स्टार्ट। सो गाइस यार यहां पे हमारा कस्टम मैच हो चुका है स्टार्ट, और गाइस आज हमारा अपोनेंट है मिस्टर राजपूत और कृष्णा। सो गाइस यार कृष्णा बहुत ओपी खेलता है गाइस, मैंने उसे बहुत ट्रेनिंग दी है, और गाइस ट्रेनिंग के बाद वो मुझसे भी ज्यादा अच्छा खेलने लगा, लेकिन गाइस मुझसे थोड़ा कम ही अच्छा खेला। ठीक है, मैं उसे बहुत अच्छा, क्योंकि यार मैंने ट्रेनिंग दिया तो मुझसे ज्यादा अच्छा नहीं खेलता अभी वो। ठीक है, भले ही हेडशॉट लगा लेता है कभी कभार, लेकिन मुझसे अच्छा नहीं खेलता। ठीक है, सो यहाँ पे देखो यार मैंने उसको ढूंढ लिया, मेरे को पता था गाइस यहीं से आएगा, क्योंकि यार मैं इसके रख रख से बाकी हूँ, क्योंकि यार मैं इसके साथ बहुत खेल चुका। ठीक है, तो यहाँ पे यार इसको रश करने की हिम्मत है नहीं गाइस इसको सामने से। ठीक है, तो अभी अपन लोग यहाँ पे से मुक्के से मारते नहीं गाइस, चलो जी 18 से ही मारते हैं। 15 का डैमेज दे दिया मैंने इसको यहाँ पे, और 15 का डैमेज। तो यार यहाँ पे ये बंदा जो है मुक्के से मारने की कोशिश कर रहा है, यहाँ पे अपने आपको ग्लू वॉल से कवर कर ले। सो गाइस यहाँ पे इसका ग्लू वॉल, यार मेरे पास ग्लू वॉल नहीं, क्योंकि मैंने जी 18 उठा लिया। सो यार चलो अभी इसे खत्म करते हैं। अरे मर जा मर जा मर जा, मरता नहीं क्यों यार, इतना डैमेज दे गाइस मैंने, मर क्यों नहीं रहा। अरे यार मर जा भाई, मर जा मर जा मर जा, लगना भाई एक हेडशॉट लग जा बस, एक एक और ही गया। तो यार यहाँ पे हमारा एक हेडशॉट के साथ 110 का गाइस मैंने इसे एक हेडशॉट मारा जी 18 की हेल्प से, और ये बंदा हो चुका है डाउन। और गाइस यहाँ पे हम एक पॉइंट जीत चुके गाइस, एक राउंड अपन लोग बहुत ओपी तरीके से जीत चुके हैं। ठीक है, मतलब इस बंदे ने मुझे 1% का भी डैमेज नहीं दिया। ठीक है, सो यहाँ पे मैं सोच रहा हूँ कि MP5 उठा लेता, सो यहाँ पे मैंने MP5 उठा ली होती। सो गाइस यार और मैं सोच रहा हूँ और क्या लूँ, सो एक ग्लू वॉल तो लेना का जरूरी है। वैसे भाई मेरे पास ग्लू वॉल था क्योंकि मैंने उसे लूट लिया था। ठीक है, सो यहाँ पे मेरे पास 2 ग्लू वॉल हो चुकी है भाई, मैं हेलमेट ले लेता या फिर वेस्ट ले लेता यार, मैंने फालतू में ग्लू वॉल भी मतलब पॉइंट वेस्ट कर दिया। ठीक है, लेकिन कोई बात नहीं, यहाँ पे हमारे 2 ग्लू वॉल तो है ही, भले ही खत्म ना हो। सो यहाँ पे मैं सोच रहा हूँ कि सीधा सीधा ही रश करते हैं, अगर सीधा सीधा रश करना ही ठीक रहेगा। सो यहाँ पे मैं सामने की ओर सीधा सीधा जा रहा हूँ। सो यार मेरे हिसाब से वो बंदा जो है कैंपिंग करता है, क्योंकि यार मैंने ही उसे ट्रेनिंग दिया था, मैं इतना कैंपिंग करता हूँ तो वो यार कैंपिंग करेगा ही करेगा। सो यार यहाँ पे मेरे को नहीं पता वो बंदा कहाँ है। ओ शिट गाइस, ये देखो गाइस ये सामने वाले घर में ही है, सो अभी इसने मेरे को गोली चला के हल्का सा डैमेज दे दिया। ठीक है, सो मतलब ये डैमेज तो नहीं दिया, लेकिन मेरे को पता चल चुका है कि ये बंदा यहीं पर, और गाइस आई थिंक इसको नहीं पता कि हम यहाँ पे पीछे के या साइड आ चुके हैं। तो चलो यार अभी इसे हेड मारने की कोशिश करते हैं, यहाँ पे हेड हेड और या सर यार यहाँ पे बहुत ओपी था यार, 132 का 2 हेड लगा, और ये बंदा मत इसको पता भी नहीं चला कि हमने जो कहाँ से मारा, मतलब गाइस ये बंदा कैंपिंग कर रहा था और इसको पता नहीं चला कि अपन लोगों ने इसे पीठ के पीछे से कब ऐसे मार देगा इस हेडशॉट। सर यहाँ पे हम 2 बार भाई बहुत ओपी तरीके से गाइस 2 बार जीत चुके हैं। ठीक है, सो यहाँ पे मैं M1014 नहीं नहीं गाइस वुडपैकर नहीं, M1014 क्या लू, क्या M1014 लेते। सर यहाँ पे मैंने M1014 ले लिया गाइस, वुडपैकर नहीं ले। ठीक है, सो यहाँ पे हमारा जो तीसरा राउंड है वो भी स्टार्ट हो चुका है गाइस, यार इस तीसरे राउंड में भी आज मैं ही जीतूंगा, मैं आपको यकीन दिला देता हूँ। ठीक है, सो यहाँ पे मैं थोड़ी वॉल्यूम यार थोड़ी कर रहा था, क्योंकि यार सुनाई नहीं दे रहा वो आ रहा है, तो सभी मैंने थोड़ी सी वॉल्यूम अपनी तेज कर ली। सो अभी चलो फिर से यार फिर से इस तीसरे राउंड में भी अपन लोग सीधा सीधा रश करते हैं, क्योंकि यार मेरे को पता है ये बंदा फिर से कैंपिंग करेगा। ठीक है, सो ये बंदा जो है वो भाई फिर से कैंपिंग करने वाला है इस राउंड में भी, क्योंकि यार मैंने तो इसे ट्रेनिंग दी, तो यार मैं अपन लोग आपको तो पता है यार मैं कितना ज़्यादा कैंपिंग करता हूँ। ठीक है, चाहे कस्टम हो या फिर कोई सी भी गेम प्ले हो। सो यहाँ पे मैंने इस बंदे को देख लिया, यहाँ पे देखो ये अपने स्टार्टिंग पॉइंट से हटा भी नहीं है लॉबी से। सो यहाँ पे लॉबी क्या हुआ है, यहाँ पे जो इसे हैंड मारने की कोशिश करता हूँ, यहाँ पे नहीं लगा नहीं लगा, एक एक लग जा रहा है। अबे यार यहाँ पे यार जैसे मैंने इस बंदे को मारने की कोशिश की यार, वैसे ही बंदा जो है यार मतलब भागने लग गया यार, एक भी गोली नहीं लगी। सो यहाँ पे मैं अपने को ग्लू वॉल से थोड़ा कवर कर रहा हूँ, यहाँ पे ग्लू वॉल का भंडार लगते हुए यहाँ पे मैंने 19 का डैमेज दिया ग्लू वॉल से कवर, और बस एक हेडशॉट और एक हेडशॉट और नहीं लगा, कोई बात नहीं यार यहाँ पे हेडशॉट नहीं लगा, कोई बात नहीं इसे खत्म करते हैं। यहाँ पे मैंने बहुत डैमेज दे दिया, सो यहाँ पे इसने मेरे को डैमेज दे दिया थम्स अप से, और MP5 मैंने हाथ में ले लिया, और बस एक गोली और एक गोली है, मर जा मर जा मर जा। और यहाँ पे यार बहुत अच्छी तरीके से हमने तीसरा राउंड भी जीत लिया गाइस। सो गाइस यार यहाँ पे मैं 3 बार बहुत ओपी तरीके से जीत चुका हूँ, और यहाँ पे हमारे यार 4th राउंड भी स्टार्ट हो चुका है। यहाँ पे भाई मैंने मतलब मुझे यार कुछ चीज़ लेने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि यार उसने सारी चीज़ें ले ही ली थी। ठीक है, तो यार यहाँ पे मेरे को ना वेस्ट लेने की जरूरत नहीं, हेलमेट ना है, ग्लू वॉल कुछ भी लेने की जरूरत नहीं है। सो यहाँ पे मैंने सारी चीज़ें वैसे सेम टू सेम रख रखी है, MP5 भी और M1014 भी गाइस सेम टू सेम रख रखी है। ठीक है, तो यार चलो अभी अपन लोग यार 4th राउंड को भी बहुत ईजिली जीत जाते, जैसे गाइस 3 के 3 राउंड जीते, और गाइस 3 में मतलब इसने मेरे को बस
एक राउंड में थोड़ा सा डैमेज दिया, बाकी दो राउंड में इसने मेरे को इतना हल्का सा भी डैमेज दिया। मेरे को लगा नहीं था यार मेरा दोस्त ऐसा निकलेगा, इसने मेरी नाक कटा दी गाइस, मेरी ट्रेनिंग की नाक कटा दी कि मतलब मैं इतना गंदा ट्रेन करता हूँ। ऐसे नहीं गाइस, मैं इतना गंदा ट्रेन नहीं करता, इसको खेलना ही नहीं आता। वरना अगर आप लोगों को ट्रेनिंग चाहिए तो गाइस मैं देने के लिए तैयार हूँ। अगर आप ट्रेनिंग चाहते हो तो मैं दे सकता हूँ, वैसे आप अच्छा कर लोगे, लेकिन इसको खेलना नहीं आता इसलिए ट्रेनिंग देने का फायदा ही नहीं। बस यहाँ पे मैं इसके स्टार्टिंग पॉइंट पे आ चुका हूँ गाइस, लेकिन मेरे को यहाँ पे कुछ मिला नहीं यार। इस आदमी ने कुछ छोड़ा वोड़ा भी नहीं, कुछ छोड़ देता है यार कोई मस्त सी गन तो यार हमारे पॉइंट बच जाते। ठीक है सो यार यहाँ पे देखो मेरे को पता चल चुका है ये बंदा यहीं पर है। ठीक है तो अभी अपन लोग जो है थोड़ा कैंपिंग वैम्पिंग करते हैं। सो यहाँ पे देखो यार वो बंदा देखो वहीं पे है। सो ये भाई ये भी गाइस ये भी बंदा जो है कैंपिंग कर रहा है। सो यहाँ पे मैंने ग्लूवल्स अपने आपको कवर किया हल्का सा। सो ये कब आएगा डैमेज डैमेज नहीं लगा, कोई बात नहीं। सो यहाँ पे यार इस बंदे को डैमेज नहीं लगा, कहाँ चला गया यार ये गाइस। ये बंदा गया तो गया कहाँ यार, मेरे को समझ नहीं आ रही। यहीं यहीं कहीं पे तो था, पता नहीं यार आखिरकार ये बंदा गया तो गया कर। सो यहाँ पे मैं थोड़ा रुक के देखा, अरे यार ये तो यहीं पे गाइस। मेरे को लगा ये कहाँ पे चला गया तो ये, लेकिन यार ये बंदा तो यहीं पे। सो यार मैं थोड़ा पत्थर के पीछे जाके कैंपिंग कर लेता हूँ अभी। सो यहाँ पे देखो सामने आ गया एट का डैमेज, ग्लूवल से कवर कर लिया तो हम अभी यार चलो M1014 से मारते शॉटगन से। सो यहाँ पे डैमेज नहीं पड़ा, कोई बात नहीं आगे चलते हैं। थोड़ा रुकते हैं थोड़ा कैंपिंग में, ये बस कैंपिंग ही कर रहा है तब से। सो यहाँ पे देखो ये बंदा छुपे जा रहा है और लग जा बस एक गोली और चाहिए गाइस, बस एक गोली और चीज बंदे को नॉक करने के लिए, बस एक गोली और यहाँ पे लग जा भी नहीं लगा। शिट 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 गाइस यहाँ पे यार नहीं लगा और मेरे पास सिर्फ और सिर्फ 72% HP है, लेकिन यार इसके पास मेरे हिसाब से और कम HP होनी चाहिए। सो गाइस यार यहाँ पे देखो ग्लू वॉल के भंडार लगते हुए बस सिर्फ 75% HP और यहाँ पे सर जोन भी जो है वो भी आ चुका है और यार मेरे पास हेल्थ लगाने की भी टाइम नहीं है। ठीक है हेल्थ लगाने का टाइम नहीं, और यहाँ पे देखो ये बंदा आ चुका है बस एक डैमेज। अरे पड़ क्यों, अरे ग्लू वॉल, अरे मैं कहाँ चला गया जोन में भाई भाग भाग। ओह शिट गाइस यार मैं जोन में मर गया यार। ओ भाई यार सिर्फ 10% HP भाई साहब, यार सिर्फ 10% HP और गाइस मैं जोन में मर गया यार। ये क्या होगा गाइस, ये अनर्थ हो गया गाइस मेरे साथ, ये धोखा हो गया यार यहाँ पे। सो यहाँ पे यार मेरा मतलब क्या ही बोलूं गाइस यार, लेकिन अब गेम में तो फोकस करना ही पड़ेगा। यहाँ पे मेरा पांचवा राउंड भी स्टार्ट हो चुका है, लेकिन यार यहाँ पे वो बंदा एक बार गलती से जीत गया गाइस यार, मेरी भूल की वजह से यार वो बंदा जीत गया। ठीक है सो यार यहाँ पे देखो मैंने M1014 जो है वो नहीं लिया इस राउंड में, यहाँ पे मैंने वुडपेकर और MP5 जो है वो ले लिया है। ठीक है तो गाइस मैंने इस बार भी गाइस अपन लोग जो है सामने से रश करेंगे, वो बंदा कैंपिंग कर रहा है तो करने दो गाइस, मुझे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन यार मैं तो सामने से ही रश करूंगा। लेकिन अगर देखो यार दोनों के दोनों कैंपिंग करने लग जाएंगे तो जब तक जोन तो आएगा नहीं तब तक यार कोई आने वाला है नहीं। ठीक है तो ऐसे मजा नहीं आएगा, इसलिए अपन कैंपिंग नहीं कर रहे गाइस, अपन सीधा सीधा रश कर रहे हैं उसे कैंपिंग कर रहे हैं। दोस्तों यहाँ पे यार मैं आ चुका हूँ, देखो सामने की साइड और ये बंदा, अबे यार शिट शिट, अबे यार ये क्या हुआ गाइस। सो यार यहाँ पे देखो यार जैसी मैंने उसे गोली मारी वैसे ही उसने अपने आपको यार ग्लू वॉल से कवर कर लिया, मतलब जैसी मेरी गोली यार बंदूक से निकली वैसे की वैसे उसने मतलब ग्लू वॉल से अपने आपको यार कवर कर लिया यार, बहुत गलत बात। यहाँ पे मैं थोड़ा छत पर आ चुका हूँ, लेकिन छत पर आने का कोई फायदा है नहीं यार मेरे को, मतलब मान लो जोन आ गया जब तक मैं हूँ और ऊपर मतलब समझ जाओ यार गलती बात हो जाएगी। सो यहाँ पे मैं आ चुका ऊपर की साइड और बंदा यहीं पे, चलो हेड मारता है, एक हेड हो गया। और भाई ये बंदा देखो यार मेरे को जैसा लग रहा था हेड लगेगा वैसा यार, इसको खेलना बिल्कुल भी नहीं आता, मतलब इसको खेलना आता है नहीं है, ये बंदा ऐसे छुप जाता है सीढ़ियों के पीछे, ऐसे थोड़ा ना होता है। सो गाइस यार हमारा 6th राउंड स्टार्ट हो चुका है और गाइस मेरे को बहुत मजा आया गाइस 5th राउंड में, मेरे को बहुत मतलब इतना मजा आया मेरे को कभी नहीं आया यार, इतना मस्त वाला हेडशॉट मारा मैंने यार 5th राउंड में उस कृष्णा को। ठीक है सो यहाँ पे हमारा 6th राउंड जो है वो भी स्टार्ट हो चुका है गाइस, मैंने गन में कोई हेरा फेरी नहीं किया, कोई मतलब बदलाव नहीं किया, ठीक है वही सारी गन है जो थी। सो अभी चलो अपन लोग का राउंड होने वाला है स्टार्ट और गाइस इस 6th राउंड में भी अपन लोग ही जीतेंगे, मैं आपसे शर्त लगाता हूं। ठीक है सो यहाँ पे हमारा क्या कहते हैं 6th राउंड स्टार्ट हो चुका है गाइस, हमें सीधा फिर से गाइस सीधे ही रश कर रहा हूँ। ठीक है तो ग्लू वॉल हाथ में ले लेता है भटकाने के लिए, इधर ग्लू वॉल लगा लिया। सो अभी चलो यार अपन एक और ग्लू वॉल लगाते हैं भटकाने के लिए, सो यहाँ पे मैंने भी एक और ग्लू वॉल लगा लिया। सो अभी चलो अपन सीधा चलते हैं गाइस इसके स्टार्टिंग पॉइंट के वाले घर में। सो यार मैं इसके घर में घुस चुका और ऊपर की साइड जाता हूँ सीढ़ी पर। ठीक है सो यार ये बंदा तो यहीं पे ग्लू वॉल से अपने आपको कवर किया गाइस, मैं बहुत मतलब बहुत गंदी तरीके से बचा हूँ यार इस बार, बहुत गंदी वाले तरीके से। ठीक है सो अभी चलो यार मैं थोड़ा इस साइड पीछे की साइड आके देखता हूँ कहीं खड़ा वड़ा हुआ तो अपन लोग इसे हेडशॉट लगा देंगे। तो यार ऐसा तो कुछ मेरे को अबे यार है गाइस ये बंदा यहीं पे, सो तो अभी तेरे को थोड़ा स्कोप चालू करना, नहीं है पे नहीं है। सो यार ये बंदा देखो भाग गया है, सो अभी अपन को यार ऊपर जाना पड़ेगा। ठीक है सो यार मैं सोच रहा हूँ थोड़ा क्या करूँ कि सीढ़ियों के ऊपर ना स्मोक ग्रेनेड फेंक दूँ। सो गाइस चलो अभी अपन लोग इसे ग्लू वॉल के पीछे ग्रेनेड फेंक दे, ठीक है पहले यार ग्लू वॉल को फोड़ दो, थोड़ा डैमेज देता है ग्लू वॉल को, सो यार मैंने डैमेज दे दिया और अभी यार थोड़ा मैं स्मोक ग्रेनेड फेंकता हूँ, यहाँ पे मैंने स्मोक ग्रेनेड फेंक दिया और यहाँ पे अरे यार एक और ग्लू वॉल है यार, मैंने तो देखा नहीं, और जोन भी आ गया। सो गाइस यहाँ पे यार देखो जोन भी आ चुका है, यहाँ पे मेरे थोड़ी XP भी चली गई जोन में, और यहाँ पे यार ये बंदा यहीं पे, अबे शिट ये बंदा यहीं पे यार साउंड टूट गया।
ओ शिट यार, फिर से जून की वजह से मर गया यार। मेरा फिर से मतलब जून में मेरा आधा डैमेज चला गया, मतलब आधा एचपी यार मेरा जून में ही चला गया। शिट यार, मैं दो दो बार जून में मरा हूँ। इस आदमी ने मेरे को बस एक बार खुद से मारा है गाइस, बस एक बार खुद से। नहीं भाई, दोनों बार ही तो मैं जून में बताऊँ, एक बार भी इस बंदे ने मेरे को नहीं मारा यार। एक बार भी नहीं इस बंदे ने मेरे को जो है वो मारा, एक बार भी नहीं यार। शिट शिट यार शिट। सर यहाँ पे यार मैंने यूएसपी देख रखी थी, यहाँ पे मैंने डेजर्ट ईगल ले लिया है अपने नहीं यार सातवें राउंड में गाइस। यहाँ पे मैंने सातवें राउंड स्टार्ट हो चुका है गाइस, हमारा सातवां राउंड। और यहाँ पे मैं थोड़ा सीधा सीधा गाइस फिर से रश कर रहा हूँ, ठीक है। तो सीधा सीधा इस बार भी अपन लोग रश कर रहे हैं, उसे कैंपिंग कर रहे हैं। तो गाइस वो कैंपिंग करके दो दो बार जीता है, लेकिन जोन की वजह से गाइस मैं दो बार जोन में जाके मरा हूँ यार, दो बार। शिट यार शिट, जी, बहुत गलत बात हो गई यार यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं आ चुका हूँ इस साइड, और यहाँ पे देखो थोड़ा स्मोक स्मोक हुआ है, तो आई थिंक ये बंदा यहीं होगा। तो यहीं पे है क्या? अरे यार इसने तो मेरा चाल चल दिया है गाइस यार, इस बंदे ने यार मेरा चाल चला है। ओ यहाँ पे नहीं यार, इस बंदे ने यार मेरा चाल चला है, ठीक है। मैं ही ऐसा कर देता कि यार स्मोक ग्रेनेड फेंक कर बंदों को बुलाने वाला, इसने मेरा ही काम किया यार। ये बहुत अजीब, मतलब बहुत अजीब आदमी है ये, मैं इसको अच्छे से नहीं जान रहा हूँ अभी। ये सारे के सारे चाले मेरी वाले चल रहा है, ठीक है। सर यहाँ पे मैंने इसे अच्छे तरीके से देख लिया, मुझे नहीं पता यार ये बंदा आखिरकार है तो है कहाँ यार, मेरे को नहीं पता। तो मैं थोड़ा ऊपर जाके देखता हूँ ये बंदा है कहाँ। सो यार यहाँ पे देखो यार, उस साइड देखो यार ग्लू वॉल लगा हुआ है, आई थिंक यार वो बंदा वहीं पे होगा। मैंने तो देखा ही नहीं उस ग्लू वॉल को। सो यहाँ पे देखो मेरे को पता चल चुका है कि वो बंदा कहाँ है, क्योंकि यार इसने ग्लू वॉल लगा के अपने आप को मुसीबत में फंसा लिया, ठीक है। सो यार यहाँ पे मैं सीधे सीधे सीधा रश करने जा रहा हूँ, क्योंकि यार छत के ऊपर है, देखो जोन आ रहा है, ठीक है। सो जोन में तो यार मरना नहीं है, दो दो बार जोन की वजह से मर गए अपन लोग। सो यहाँ पे मैं थोड़ा रुक जाता हूँ जब तक यार जोन जो है वो आता नहीं, ठीक है। सो मैं थोड़ा पीछे नहीं गया, छोड़ो यार पीछे से रश करते हैं अपन लोग, अपन लोग भी यार पीछे से रश करेंगे। सो यहाँ पे मैं पीछे आ चुका हूँ, यहाँ पे देखो यार वो बंदा यहाँ से भाग गया है। सर उसको भी पता चल चुका है कि अपन लोग भी यहीं पे, सो गाइस यहाँ पे उसको भी पता चल चुका है कि अपन लोग जो है वो भी यहीं पे ही हैं, ठीक है। सो यहाँ पे मैंने अपने को ग्लोव से कवर किया, यहाँ पे देखो ये बंदी भी यहीं पे है। बंदी कह रहा हूँ गाइस, बंदा लड़के के कपड़े पहन तो यार कभी कभी बुला जाता है कि हाँ ये बंदी है, नहीं लेकिन ये बंदा है, ठीक है। सो यहाँ पे मैं थोड़ा इंतजार करता हूँ गाइस कब ये बंदा आए और मैं इसका शिकार करूँ, ठीक है। सो यहाँ मैंने अपने को फिर से ग्लोव से कवर किया, और गाइस देखो जोन जो है गाइस वो छोटे पे छोटा हो जा रहा है। यहाँ पे मैंने अपने आप को गोली भी फालतू में खत्म कर दिया, यहाँ पे मैंने थोड़ा डैमेज दिया। सो यार मैंने इसे बहुत ज्यादा डैमेज दे चुका हूँ, बस थोड़ा सा डैमेज और चाहिए। और यहाँ पे यार जोन आ गया, शिट मैं फिर से जोन में चला गया। इस बार नहीं, इस बार मैं जोन में नहीं मरूंगा, एक बार लग जा। और यार यहाँ पे एक हेड के साथ यार मैं जीत चुका हूँ पांच बार यार, बहुत ओपी। और यहाँ पे यार इस बंदे ने भी मेरे जैसी सारी गने ले रखी थी, मतलब ये सारी की सारी चीजें यार मेरे जैसे ही चल रहा है, बस थोड़े कुछ अलग चल रहा है। यहाँ पे यार पांच बार मतलब सात बार राउंड भी जीत चुका हूँ यार, पांच बार लगातार तो नहीं लेकिन जीता हूँ। और यहाँ पे हमारा आठवां राउंड भी स्टार्ट हो चुका है, और गाइस मेरे को सिर्फ और सिर्फ दो बार और जीता हूँ, उसके बाद मैं कृष्णा को 7-2 से हरा दूंगा गाइस। बस दो बार और गाइस किसी भी तरह अपन को जीत रहा है, उसके बाद मैं कृष्णा मीन गाइस मिस्टर राजपूत को हरा दूंगा, मतलब 7-2 से हरा दूंगा, ठीक है। बहुत बंदी वाली बेइज्जती होगी गाइस अगर मैंने इसको 7-2 से हरा दिया तो। सर यहाँ पे मैं फिर से सीधा सीधा रश करने की कोशिश कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं ग्लू वॉल का भंडार लगाते हुए। आई थिंक ये बंदा यहीं कहीं होना चाहिए, नहीं यहाँ पे मेरे हिसाब से यार यहाँ पे तो होगा नहीं जाएगा, मैंने क्या बोला था यहाँ पे नहीं होगा, तो मेरे हिसाब से यार पीछे चला गया होगा वापस से, मतलब मेरे स्टार्टिंग पॉइंट पे जंदा जो है वो चला गया होगा। सो यहाँ पे मैं फालतू में ग्लू वॉल वेस्ट कर रहा हूँ, क्योंकि यार मेरे को मजा आता है यार ग्लू वॉल लगाने में, ठीक है। मेरे को ग्लू वॉल लगाने में गाइस बहुत मजा आता है, जब कस्टम हो तो और मजा आता है, क्योंकि यार ग्लू वॉल खत्म ही नहीं होते, ठीक है। सो यहाँ पे मैं थोड़ा गाइस यहाँ पे मैं देखो मैं फिर से पीछे से आया हूँ, मेरे हिसाब से अब तो आ ही गया होगा ये बंदा, मेरे स्टार्टिंग पॉइंट से घूम घाम कर आ ही गया होगा। सो यहाँ पे यार मेरे ही ग्लू वॉल लगे हुए हैं, सो आई थिंक पता नहीं है बंदा आखिरकार है तो है कहाँ गाइस, है तो है कहाँ ये बंदा आखिरकार। सो गाइस यार यहाँ पे यार जोन जो है वो भी बहुत ज्यादा छोटा हो चुका है, लेकिन अरे नीचे भी नहीं है ऊपर भी नहीं है, लेकिन आखिरकार है तो है कहाँ गाइस, ये कहाँ छुप गया। सो यार यहाँ पे देखो यार बंदा जोन में है यहाँ पे, और यार ये क्या होगा गाइस। सो आई थिंक यार मेरा नेट नहीं चल रहा है, फिर इसका नेट नहीं चल रहा। सो यहाँ पे यार ये बंदा पिलर के पे छुपा, और यार मेरा फिर से जोन में आधी जिंदगी चली गई। सो यहाँ पे मेरे फिर से यार 50% एचपी यार जोन में चली गई, और गाइस जोन ही बहुत छोटा हो चुका है, बस यार किसी भी तरह इस वाले इस राउंड में से मारना है और मर जा मर जा। अरे गाइस ये क्या हुआ यार, ये तो अपने आप यार जोन में जाके मर गया, मैंने इसे 1% का डैमेज भी नहीं दिया यार, ये क्या हुआ, ये तो कुछ अलग सा ही हो गया यार। ये अपने आप मतलब जोन में एक बार जोन में गया और ये बंदा मर गया यार, ये पता नहीं ये क्या हुआ, लेकिन जो भी हुआ बहुत मस्त। तो हम लगातार गाइस यार 6 बार जीत चुका है, सिर्फ और सिर्फ एक बार और इस बंदे को हराना है यार, उसके बाद हम इसे 7-2 से हराएंगे, और गाइस इसकी बहुत वाली गंदी वाली बेइज्जती होने वाली है, ठीक है। यहाँ पे हमारा जो है 9वां राउंड
स्टार्ट होने ही वाला है, यहाँ पे हमारा नवा स्टार राउंड भी स्टार्ट हो चुका है। मैंने वुड पैकर की जगह M187 उठा ली, क्योंकि यहाँ पे स्नाइपर की कोई जरूरत नहीं होती, ठीक है, ये मिल पे स्नाइपर की कोई भी जरूरत नहीं होती। सर यहाँ पे मैं ग्लू वॉल से अपने आपको कवर कर रहा हूँ, आई थिंक ये बंदा यहीं कहीं होना चाहिए, तो मैं थोड़ा पीछे से जाके रश करता। सो गाइस चलो अभी अपन लोग सीधा पीछे चलते हैं, एकदम पीछे, क्योंकि मेरे हिसाब से बंदा पीछे की साइड ही होगा और पीछे की साइड रहकर ये बंदा कैंपिंग कर रहा होगा। सो यहाँ पे यार यहाँ पे तो कोई भी नहीं है। सो मेरे को, मैंने जैसा सोचा था यार, बहुत बिल्कुल 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 ही गलत गया, मतलब बिल्कुल ही गलत गया, ये बंदा यहाँ पे है ही नहीं। लेकिन कोई बात नहीं यार, यहाँ पे नहीं हुआ तो क्या हुआ, अपन लोग अपना फेवरेट ट्रिक आजमाएंगे गाइस। नील वाला अपना फेवरेट ट्रिक आजमाते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे ट्रिक आजमा, अरे यार ये क्या होगा। सो यार यहाँ पे मेरी ट्रिक नहीं आजमा पाएगा, अपनी वो वाली ट्रिक आजमाने पे, तो फिर से कोशिश करते हैं आजमाने की। और यहाँ पे मैं एक बार ग्लू वॉल पे चढ़ जाऊँ, अरे गाजी क्या हो रहा है यार, मेरे को समझ नहीं आ रहा, छोड़ो यार, मैंने दो बार ट्राई किया नहीं हो पाया, कोई बात नहीं, अभी अपन लोग चलते हैं गाइस उसके ढूंढने के लिए। इतना टाइम वेस्ट नहीं, इतना टाइम नहीं है मेरे पास, मेरे को सीधा सीधा उसको खत्म करने का है, बस एक बार वो बंदा मेरे को दिख जाएगा। अरे यहाँ पे दिख गया, अरे यहाँ पे तो मैं देख ही गया था, ये बंदा तो यहाँ पे नहीं था, ये बंदा आके गया यहाँ पे। फिर यहाँ पे मैंने ग्लू वॉल से अपने आपको, मतलब यार मैंने ग्लू वॉल इसलिए लगाया ताकि ये बंदा भटक जाए और यहाँ पे ये आए तो मैं इसको रश कर, मतलब इसको मैं भटका सकूँ और इसको मैं मार सकूँ। सो यहाँ पे यार ये बंदा भी यहाँ पे आ चुका है। सो यार यहाँ पे इसने देख लिया है कि मैं यहाँ पे नहीं हूँ, सो यहाँ पे फिर से एक बार ग्लू वॉल लगा रहा हूँ, और मैं फिर से ग्लू वॉल लगा रहा है, बंदा यहाँ पे आ चुका है, तो चलो इसे खत्म करते हैं। और यहाँ पे मैंने गोल वॉल लगाया, बंदा ने मेरे को थोड़ा सा डैमेज दे दिया, और मैं मार क्यों नहीं पा रहा हूँ, मेरा फायर बटन क्लिक नहीं हो रहा है यार, मेरा ग्लू वॉल तो लग रहा है, मेरा पता नहीं क्या हो रहा है, मैं ग्लू वॉल तो लगा पा रहा हूँ लेकिन मेरा फायर बटन काम नहीं कर रहा है। सो गाइस यार यहाँ पे मैं डेजर्ट एगल से थोड़ा हेड मारता हूँ, और यहाँ पे नहीं लगा गाइस, यहाँ पे 30 का डैमेज लग गया लेकिन हेड नहीं लगा, और गाइस मेरी बहुत ज्यादा एचपी चली गई है, तो अपने आपको जल्दी से कवर कर लेता हूँ। यहाँ पे मैंने अपने को कवर कर लिया, और यार यहाँ पे यार जोन आ गया गाइस, ये तो मैंने देखा नहीं, यहाँ पे जोन आ गया, भाग 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 शिवम भाग भाग, अबे यार इसने ग्लू लगा दिया, अबे भाई कैसा इंसान है यार ये, इसने यार मेरे को, मतलब भाई मेरे को आने ना, मतलब रोक दिया गाइस ने मेरे को ग्लू वॉल लगा के, कैसा इंसान है यार ये बंदा। गाइस यहाँ पे देखो यार, एक बार इस बंदे ने मेरे को मारा, बाकी दो दो बार मैं जोन में मरा हूँ यार, शिट यार शिट। गाइस कितना बड़ा, मतलब कितना अजीब आदमी है यार, इसने मेरे को मतलब वहाँ पे ग्लू वॉल लगा दिया कि मैं आ ना सकूँ, इसने यार मेरे को, भाई साहब मेरे को बहुत गुस्सा आ रहा है गाइस कसम से यार, इसने ये बहुत गलत बात कर दिया यार, मेरे को बहुत गुस्सा आ रहा है, इसने बहुत बहुत गंदी वाली बात कर दिया मेरे को यार, बहुत वाला मतलब बहुत तेज गुस्सा आ चुका है। और यहाँ पे यार मेरा क्या कहते हैं, 6, 7, 8, 9, 10 गाइस 10वां राउंड जो हमारा स्टार्ट हो चुका है, मैंने सीढ़ियों पे ग्लू वॉल लगा दिया है इस बंदे को भटकाने के लिए, और मैं फिर से इस बार सीधा सीधा ही रश करूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए गाइस, इस बार तो अपन लोग ही जीतेंगे। सो गाइस यहाँ पे हमारा 11वां राउंड स्टार्ट हो चुका है गाइस, 10वें राउंड में भाई बहुत गंदी तरह मर गया यार। सो गाइस यार यहाँ पे मैंने वुड पैकर और M1014 उठा लिया गाइस 11th राउंड में, और गाइस यार इस बार कुछ भी करके अपने को जीतना है, बहुत हो गया गाइस, इसने मेरे को 4 बार हरा दिया और इसने मेरे को 2 बार हराया खुद से, बाकी 2 बार गाइस मैं जोन में मरा हूँ ये याद रखना, तो इसने 2 बार ही ये जीता है, ठीक है। सो अगर अपन लोग इस राउंड में जीतेंगे तो मैं इसे 7-2 से ही हराऊंगा, ऐसा नहीं कि 7-4 से नहीं, 7-2 से, क्योंकि ये 2 बार जीता है, वो मैं जोन में चला गया था गलती से, इसी वजह से जीता है, वैसे नहीं जीता, ठीक है। सो यहाँ पे यार मैं आ चुका हूँ सीधा सीधा रश करने के लिए, और यहाँ पे यार ये बंदा फिर से देखो यहाँ पर नहीं है, ये बंदा आई थिंक वहीं पर होगा जिधर पिछले वाले राउंड में ये था, ठीक है। तो यार यहाँ पे मैं देखो यार, ये देखो जैसे कि मैंने बोला यहाँ पे ये बंदा यहीं पर ही था, तो यहाँ पे इसने अपने को ग्लू वॉल से कवर किया। सबसे पहले मैं थोड़ा पीछे छुप जाता हूँ और हेल्थ ले लेता हूँ। सो यहाँ पे यार मैंने अपने आपको हेल्थ, मतलब अपने मेडिकेट लगा लिया, और मैं पीछे जा रहा हूँ वैसे रश करने, ठीक है। सो यहाँ पे कहीं यहीं कहीं होना चाहिए, ये बंदा यहीं कहीं, सो यहाँ पे देखो इस ग्लू वॉल के पास ही था, यहाँ पे मैंने थोड़ा डैमेज नहीं हुआ, यहाँ पे मैंने इसे डैमेज नहीं दिया। सो गाइस चलो अभी इस वाले राउंड को खत्म कर देते हैं, और यहाँ पे मैंने इसे डैमेज दे चुका हूँ, अरे यहाँ पे बस एक गोली और यहाँ पे यार इस बंदे ने मेरे को बहुत डैमेज दिया, 56 एचपी बची है मेरे पास, और बस एक गोली चाहिए गाइस इसे मारने के लिए भैया। और गाइस यहाँ पे हमारा हो चुका है बहुत ओपी तरीके से बुया, गाइस बहुत ओपी यार, बहुत ओपी तरीके से हमारा बुया हो चुका है। सो गाइस यहाँ पे हमारा हो चुका है बहुत ओपी तरीके से बुया, हमने हमारा एक और कस्टम मैच कर लिया सक्सेसफुल। सो गाइस यार वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू सो मच, अगर आपको वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज वीडियो को लाइक करना होगा, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सिलेक्ट कर लेना, और गाइस एक कमेंट करके जरूर बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी। तो यार हम मिलेंगे आपको ऐसे अगली चिमकांडी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।